दोस्तों काफी सारे आम इकट्ठा कर चुका हूँ और आपके गांव में इस आम को किस नाम से जाना जाता है? जो और अब हम हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम रावत और स्वागत करता हूँ आप सभी का खूबसूरत सी वादियों में और मेरे प्यारे से गांव तालगांव में। दोस्तों दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है और मौसम आप पहाड़ों का देख सकते हैं, बारात के बाद से ना बारिश होने पे लगी हुई है बढ़िया से एकदम, और पहाड़ों का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और मैं भी जा रहा हूँ पंदेरे में पानी लेने के लिए और बाकी ये लोग पानी लेके आ चुके हैं। दोस्तों डियारा आम का जो पेड़ है उस पर ना आम पक गए हैं और अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है तो इस वजह से पके हुए आम गिर रहे होंगे नीचे। तो अभी चलते हैं, मैं पहुँचने वाला हूँ बस डियारा आम के पेड़ के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर दो आम गिरे हुए, एक ये रहा और एक ये रहा, और अपने गागर को इधर ही रखता हूँ। पका आम ये रहा, एक गिर के फट गया, एक ये रहा, अरे वाह, एक यहाँ पर भी है। दोस्तों दोस्तों काफ़ी सारे आम इकट्ठा कर चुका हूँ और दो आम दादाजी को भी मिल गए। क्या लगा रहे हो वहाँ पर आप? सिंचाई हो गई ना। अच्छा, शहर हो गए मतलब है। हाँ। धान की रुपाई के लिए दादाजी लोगों ने खेत तैयार करना शुरू कर लिए और कुछ टाइम बाद सभी लोग इन खेतों में आप हल लगाएंगे और फिर धान की खेती करना शुरू करेंगे। ये देखो दादाजी को एक और आम मिल गया गिरा हुआ, काफ़ी आम गिर रहे, हवा चल रही है और आम गिरने पे लगे हुए हैं, अभी देखना। और बाकी मौसम ख़राब हो रहा है देख सकते हैं आप। दोस्तों यार काफ़ी सारे मैंने आम इकट्ठा कर लिए हैं और अब मैं इन आमों को अपने गागर में रख के और ले आता हूँ पानी में और फिर धो के बढ़िया से खाऊंगा एकदम। तो दोस्तों यार डियारा आम का जो ये पेड़ है ना, इसकी भी अलग ही कहानी है, कई सारे यादें जो है इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। मैं, अंकी, मनीष, हम लोग जितने भी थे, आशीष, गोलू लोग सब हम जब छोटे थे, मतलब जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में या फिर कभी छुट्टियों टाइम मैं गाँव आता था तो हम सभी के सभी यहाँ पर पेड़ के नीचे और इंतज़ार करते रहते थे कि यार कब आम गिरेगा और कब हवा के पकड़ेंगे। कई बार लड़ाई आती थी, हमने खेत बाड़ रखे थे कि इस वाले खेत में गिरेगा तो तेरा आम है, उस वाले खेत में गिरेगा तो मेरा आम है। और इस आम के पेड़ के हमने काफ़ी ज़्यादा स्वाद ले रखे दोस्तों, तो मतलब यार बचपन की याद आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और पुराने दिन याद करके तो हमेशा अच्छा ही लगता है। यार दोस्तों ये पेड़ अब आधा रह गया है जैसे मैंने आपको बताया था और अभी क्या हो रहा है ना, हवा चल रही है तो इसके ना जो टहनियाँ हैं वो हवा से गिर रही है नीचे, तो काफ़ी खतरा बन रखा है। इसलिए मैं भी यार फटाफट से पानी लेके चलता हूँ घर, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बारिश आने को हो गई है, देख सकते हैं आप। इसी के साथ में फटाफट से इनाम को धो लेता हूँ और पानी के बर्तन भर के निकलता हूँ घर। और दोस्तों मेरे पहाड़ी दोस्तों के लिए एक छोटा सा मैसेज, और जो मेरे बचपन के दोस्त हैं जिन लोगों के साथ मतलब हम आम खाया करते थे इस पेड़ के, तो उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा यार कि वो दिन काफ़ी बढ़िया थे और अभी मैं अकेले इन्जॉय कर रहा हूँ, कुछ टाइम तक देखते हैं कब तक ये इन्जॉयमेंट होता है, पर यार तुम लोगों के साथ काफ़ी अच्छे मज़े करते थे हम। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे कभी इन्जॉय किया है और ऐसे आम के पेड़ों में और गांव में मज़े करें हैं मतलब यार दोस्तों, ज़रूर से उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें और उनको याद दिलाए कि उन दिनों के बारे में जो इतने अच्छे पुराने दिन थे। और दोस्तों ये आम बचपन के नाम, किस्मत भी कितनी अच्छी है, ये आम कुक्कू आम है, दो गुठलियाँ होती है इसके अंदर दोस्तों, तो ये मेरे और मेरे दो बचपन के दोस्तों के लिए, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको कुकू आम बोलते हैं। और आपके गांव में इस आम को किस नाम से जाना जाता है ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताएं दोस्तों। दोस्तों बारिश आ गई है, देख सकते आप, टाइम से घर पहुंच गया मैं। और बाकी यहाँ पे खाना जो है बन चुका है मेरे हिसाब से, और चूल्हे में भी थोड़ी सी आग जली हुई है और दादी भी दौड़ रही है फटाफट से घर की तरफ क्योंकि बारिश आ चुकी है, कपड़े वगैरह सब संभाल के रख लिए है। और सड़क का जो गड़गड़ाहट है वो आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों बारिश रुक चुकी है और अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, और बारिश के बाद जो मौसम है पहाड़ों का मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो रखा है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया एकदम कुयर लगा है डांडों में, बढ़िया से यहाँ देखो क्या बढ़िया नज़ारे हो रखे पहाड़ों के। और इस टाइम हम आ चुके हैं अपने घास के खेतों में, तो अभी हमने क्या करना है कि इस घास को बोलते हैं हाथी घास। तो इसका क्या होता है, इसके भुट्टे होते हैं बहुत सारे, मतलब ये सब जगह से देखो इसमें पूरे अलग अलग जगह से घास निकली हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रखा है जगह जगह पर, तो उसको यहाँ से निकाल के जैसे मम्मी वहाँ देखो कर रही है, उसके बाद फिर इसको अलग खेत में लगाना है।
और यहाँ पर हमारे साथ कैमरा मैन रौनक सिंह। तो रौनक सिंह हेलो करो जरा हमारी पब्लिक को। हेलो भाई। अरे तो हमने काफ़ी सारे बुट्टे निकाल दिए हैं घास के, ये देखो यहाँ पे भी और वहाँ तक, और अभी इनको लगाएंगे वो वहाँ पर वाले खेत पे जो खेत दिख रहा होगा वहाँ पे। अभी दोस्तों हमारे साथ दो सहायक कर्मचारी आ चुके हैं। ये लगाएंगे घास, ये घास लगाएंगे नहीं, ये उपाड़ने के ला रही है, इतनी मम्मी काट रही है ना घास जैसे घर सारेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वो अभी अपना हाथ साफ कर रही है वापस से घास पे यहाँ पे। और बाकी दोस्तों यार बरसात की वजह से जो खेत हैं पूरे गीले हो गए हैं, और उसमें एक परेशानी आती है आपको दिखाता हूँ। अभी परेशानी ये होती है कि हमारे चप्पल होते हैं उसमें इतनी इतनी मिट्टी चिपक जाती है, फिर एक पत्थर लाना पड़ता है पहना सा, और उसके बाद फिर उससे ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ता है मिट्टी को। मेरे चप्पल घरी हो जाते हैं, घरी घरी मतलब भारी हो जाते हैं बहुत, चलने में बहुत दिक्कत होती है फिर। और यहाँ पर दीवार तोड़ दी है मम्मी ने घास उखाड़ने के चक्कर में, और हम फाव मार दे वहाँ पर। चल चल 10 रुपये, हाँ थम 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 10 रुपये। चल रहा भाई क्या सोच रहा, जल्दी चलो यार तैयार हो, 1 2 3 छह आप मार दो इसमें जरा छलांग। अरे चलो चलो जान जान में दमा ना, कुछ नहीं होता, तैयार हो माल मिल मारो ना, 10 रुपये दूंगा, सब तैयार हो रहे क्या अबे सर केवल ओ भाई साहब इसको वेट ज्यादा है। चलो शांति ना, यहाँ पर हो चुकी है घास दीवार से अलग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का वजन लगा है इस चीज पे। हम लोग यहाँ से देख रहे थे, तो दोस्तों आप घास लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और वो वहाँ से लाएंगे हम लगाते हुए सूं 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 सूं, और यहाँ पर सारा लगा देंगे। आम का पेड़ भी हो रहा है, यहाँ पर कंडाली भी हो रही है। केले बजे मोरूली बेड़ा उचनी चिड़ान्यो मां। तो दोस्तों वहाँ सारा का सारा लगा दिया है हमने हाथी घास, और यहाँ पर आग भी जला दी है क्योंकि ये सूखा कूड़ा था, और यहाँ पे कूड़ा जमा कर रखा है, ये इसको सूखने के बाद फिर आग लगा देंगे। और बाकी इधर लगा रहे हैं देखो थोड़ा सा रह गया अभी। तो दोस्तों घास का ये पूरा कार्य जो है समाप्त हो चुका है, सारी घास लग गई है, और अब हम क्या कर रहे हो भाई आप, क्या कर रहे हो अभी, हो गया हो गया मत करो यार। चलो और अब हमें यहाँ पर घास काट के उसको ले आएंगे घर। तो दोस्तों घास लेके हम आ चुके हैं, और अब हम जाने वाले हैं आम लेने के लिए, क्योंकि वो लोग कल जा रहे हैं तो उनके लिए आम तोड़ने हैं, और वो कूड़ा ले जाएंगे उन आमों को, तब पका के बढ़िया से खाएंगे। तभी चलते हैं सीधे तालाब में, और आपको मिलते हैं तालाब में पहुंच के। तो दोस्तों पहुंच गए हैं आम तोड़ने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कट्टा भी ला रखे, और यहीं से आम तोड़ने के बाद यार मैं निकल जाऊँगा रोड पर अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्लॉग अपलोड करने भी जाना है अभी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आम इकट्ठा कर दिया इस कट्टे के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हम नेपाली भाई लोग अपने लिए खाना बना रहे हैं, काम से आ गए हैं वो लोग, और बाकी आज लोग छत पे है वो देखो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको ऐसी एक पहाड़ी लाइफ स्टाइल के नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर दगड़ियों, और दोस्तों जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।